कोई न्यूज चैलेंज। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड आपका शेड्यूल बहुत परफेक्ट चल रहा होगा। अब लॉकडाउन भी ओपन हो चुका है, सो घर में बोर हो रहे थे। आज हम संडे है तो हमने सोचा आज एक व्लॉग बना लिया जाए। बहुत दिन हो गया, प्रैंक करेंगे आज हम। बहुत दिन हो गए, डिले हो गया, सो आज हमने एक प्रैंक वीडियो सोची है। प्रैंक करने वाले हैं मम्मी के साथ, तो अभी दिखाते हैं कैसा रहता है, मम्मी के रिएक्शन दिखाते हैं कैसे होंगे। सो लास्ट में डर लग रहा है दीदी मुझे। क्यों? अगर मम्मी ने पीट वीट दिया तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। मम्मी पीटेगी तो वो भी आपको दिखेगा, मम्मी कैसे रिएक्शन दिखाएंगे हम आपको। सो लास्ट तक व्लॉग में बने गाइस। बहुत डर लग रहा है मुझे अभी फिलहाल, तो मैं बैठी हूँ सोच रही हूँ कैसे करूँ प्रैंक। मुझे प्रैंक जो करना है आज वो करना है कि मम्मी के सामने मुझे फेंट होना है, मम्मी के सामने चक्कर खा के मुझे गिरना है, और उस टाइम मैं मम्मी के रिएक्शन देखना चाहती हूँ, मम्मी के रिएक्शन क्या होंगे। सो मुझे बहुत डर लग रहा है, अभी धक धक हो रही है। सो मैं भी सोच रही हूँ कैसे करूँ कैसे जाऊँ। मम्मी बाहर बैठी हुई है अभी, मम्मी बाहर बैठी हुई है अभी, लेट्स सी। मुझे बहुत डर लग रहा है। सो ऑल द बेस्ट नमस्कार, मुझे ऑल द बेस्ट। चलना है, हिम्मत बना रही हूँ। इतना सबसे गंदी आदत जो है मेरी, सीरियस मोमेंट पे हंस देती, मुझे हंसी कंट्रोल नहीं होती। आज बस हंसना मत प्लीज। बहुत आ रही है, देख लो कहीं पीट फाड़ दे मम्मी। चलो हो गए भाई, हंसो मत, देखो हंसो मत प्लीज, मत हंसो। चलो यार रुक जा यार, मेरे को डर लग रहा है अभी। हंसी आ गई तो प्लान जाएगा बेकार। यार मैं फंस गई तो आपके चक्कर में। तो साइड से बनाइए, मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए व्लॉग बनता, ठीक है? अरे अरे क्या हो गया? ए मुस्कान, मुस्कान क्या हो गया? अरे डांट पड़ेगी, डांट पड़ेगी। बारी है गुस्से। क्या था ये? क्या प्रैंक 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 प्रैंक? जान लेगी मेरे लिए भी बीपी हाई हो जाता, अटैक आ जाता मुझे। क्या जवाब देते तेरे पापा को शाम को? मैं हंसी मजाक बना रखी है, खेल बना रखा है, पागल लड़की ना हो तो जब देखो जब मजाक, जब देखो जब मजाक। और तू क्या कैमरा लेके खड़ी हुई है? गोलू दीदी ने बोला था, दोनों ने मजाक बनाया हुआ है, पागल लड़कियां। होली खुश होली ना गाइस, ये डेयरी के हमारे डोज है जो हमें शाम को सुबह रोल मिलते हैं। आज सबके सामने मिल गए, आज सबके सामने। इसके बाद अगली बार कुछ बड़ा करेंगे अपन। जय हिंद। हमारे घर में बहुत ज्यादा शांति हो रही है फ्रैंक के बाद, अब देखते हैं नहीं क्या हो रहा है बाहर। शांति हो रही है बड़ी। सॉरी मम्मी, मम्मी तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, मुस्कान दे रही आज बेटी। सो फाइनली इतनी डांट सुनने के बाद भी मैं कूल हूँ, क्योंकि मैं रोज डांट सुनती रहती हूँ। छोड़ो ना, ये तो चलता रहता सुबह शाम, चल रहना चाहिए।
कैसा लगा? भाई चिली है, चिली है, पर थोड़ा बहुत डर लग रहा है। मम्मी पापा को शाम को पक्का बताएगी अभी। बाकी आप मौसम देखो हमारा कितना बढ़िया हसीन मौसम हो रहा है। आप इस मौसम के मजे लो ना। मौसम के मजे लो, छोड़ो यार, डांट तो पड़ती रहती है। आपको जरूर पड़ती होगी ना? हमें तो रोज पड़ती है। बस कमेंट में बताना जरूर आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, ठीक है, प्रैंक करते टाइम। बाकी मैं तो मौसम एंजॉय कर रही हूं। आपका ही था ये आइडिया, मेरा ही था, जो कि मेरे पे ही उल्टा पड़ गया। मैं अभी बैठ के सुनी रही थी वहाँ अंदर, मम्मी वैसे चाय बना रही, फिर भी पहले चाय बना रही है। वैसे गाइस मैं मम्मी को कभी हर्ट नहीं करती, मम्मी थोड़ा इमोशनल होकर डर गई थी, चक्कर आ गया। सबसे प्यारी बच्ची है ना मम्मी की, इसीलिए लाडली हूँ। सो मम्मी चाय बना रही मेरे लिए, देख लो इतना होने के बाद चाय बना रही है। मैं बैठ के मम्मी को दिखाऊंगी चाय, हम साथ में ही पी रहे हैं चाय, पिए साथ में बैठ के सबको। बटरिंग वाह। पहले मुझे लगा था मम्मी चाय बना रही मेरे लिए, मम्मी ने बोला खड़ी हो चाय बना जाएगा, तेरे को बैठी बैठी वो चाय पिलाऊं मैं, और शाम को पापा भी आएंगे पता ही है फिर तो। आप भी ऐसे करते हो ना, मम्मी का बनाते होंगे पहले, तो पापा आने वाले होंगे, अच्छी चाय बना के अदरक वाली चाय मम्मी को पिला रही हूं, फेवरेट है। अब मम्मी तो मान ही जाएगी आपकी, अभी मान जाएगी मम्मी, मेरे से ज्यादा देर गुस्सा नहीं रहती। दूध तो डाल दो इसमें। पकती है चाय, तेरे को पता नहीं है कुछ पागल। करने के बाद भी ना मुस्कान दीदी को कभी डांट नहीं पड़ती, मैं कुछ कर दूँ ना मुझे डांट ही डांट पड़ती है। ये दो कितने चिल्ले दोनों। हाँ मम्मी एक्सपीरियंस बताओ आप अपना पहले तो। पहले तो गाइज आप लोग घर में ये बिल्कुल भी ट्राई मत करना, वरना बुरी तरह फिट जाओगे घर के अंदर, इससे घर में दिक्कत भी हो सकती है, आपकी मम्मी की तबीयत भी खराब हो सकती है। तो आपने मुस्कान दी को क्यों छोड़ा ये बताओ, मारो ना। पीटा था भी मैंने थोड़ा सा, थोड़ा क्यों गाइस, जैसे मैंने आपको कहा ये तो मैं उसने सॉरी बोल दिया, दोबारा से नहीं करेगी। ठीक है चलो बच्ची है। समोसे और पकौड़े खाने में बहुत मजा आता है, तो आज हम समोसे खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, मौसम इतना प्यारा है, चाय हाथ में है। सो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड गाइस अपने घर में ये वाला प्रैंक एक बार जरूर ट्राई करना, ओके? एंड कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन है। हमने तो अपनी मम्मी का बना लिया, आप अपनी। वैसे भी हम लोग दिल्ली से बाहर जाने की सोच रहे हैं, आफ्टर दिल्ली जाने की सोच रहे हैं, जहाँ जाएंगे आपको लेके जाएंगे, वहाँ का मौसम दिखाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे आपको हमारे साथ, और हमारे ब्लॉग सब रेगुलर आएंगे। थोड़ा इस बार डिले हो गया, आपसे कोई डिले नहीं होगा, हम लोग जाएंगे। व्लॉग क्यों नहीं आ रही, व्लॉग क्यों नहीं आ रही, सब हमसे पूछ रहे व्लॉग 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 आ गया मेरा व्लॉग, कमेंट में इतना पूछा है कि इतना डिले क्यों हो गया व्लॉग में, थोड़ा बिजी थे इसलिए नहीं आया, अब आ जाएंगे, अब रेगुलर रहेंगे हमारे व्लॉग। और ऐसे हमारे संडे रहते हैं, हम तूफानी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं घर में, मौज मस्ती। तो मौसम बड़ा अच्छा, मन नहीं कर रहा है एंड करने का, तो बाय।